केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 5। लास्ट टाइम हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर का टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि ब्लीचिंग बेसिकली किसे कहते हैं, ये कलर रिमूव करने को या कलर के फेड करने को हम ब्लीच करना कहते हैं। और ब्लीचिंग बेसिकली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की वजह से हमने देखा था कि हो रही होती थी। तो आपके पास जो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो एज ब्लीचिंग एजेंट्स यूज होते थे। फिर हमने देखा था कि आपके जो कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्रोमोफोर्स होते हैं जो आपका कलर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि क्रोमोफोर्स के बॉन्ड्स कैसे टूटते हैं और ये जो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं ये कैसे कलर को रिमूव करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम वहीं से आगे बात को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे ब्लीचिंग एजेंट्स की, आज हम देखेंगे कि इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। जो आपके ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं प्रिपरेशन इनके हम देखेंगे, और हम इन पर्टिकुलर जिस ब्लीचिंग एजेंट की बात करेंगे वो है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो कि इन शॉर्ट हम लोग यूज करते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के लिए। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आप कह लो, यानी CaCl एंड OCl। ठीक है, ये आपके पास जो है ये आपके पास कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइट कह लो, बिकॉज इन शॉर्ट कैल्शियम हाइपोक्लोराइट सिंपली अगर आप बात करो तो वो आपके पास कैल्शियम और हाइपोक्लोराइट इन OCl और साथ ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपके पास कैल्शियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सो हम इन जनरल इसको बोल देते हैं कि चूंकि आपके पास ऑक्सीक्लोराइड आइंस और क्लोराइड आइंस और वाटर भी साथ होता है, तो बेसिकली इन शॉर्ट आप इसको ये कह सकते हो कि ये आपके पास ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2 या CaClOCl। तो अब बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आप 2-3 लेक्चर अगर पीछे चले जाओ ना, तो हम एक रिएक्शन पढ़ रहे थे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है, या डी रिएक्शंस हमने इनको नाम दिया था। ये आपके पास ऐसे रिएक्शंस थे जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल आप कहते थे कि क्लोरीन जो था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता था इन डाइल्यूट फॉर्म या एट लो टेम्परेचर, और वो क्या बनाता था आपके पास, एक तो आपके पास सोडियम क्लोराइड बना देता था। ठीक है, फिर साथ में सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बना देता था। ठीक है, एंड साथ में आपके पास वाटर प्रोड्यूस हो जाता था। अब यहां पे अगर आप नोट करो, अगर ये सोडियम ना होता, यानी बेसिकली ये रिएक्शन कुछ इस तरह का कि जब भी आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है, या बेसिकली कह लो कि आपके पास क्लोराइड आइंस जनरेट, वाटर तो प्रोड्यूस होता ही होता है, साथ में आपके पास क्लोराइड आइंस और हाइपोक्लोराइट आइंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, OCl-1 और हाइपोक्लोराइट आइंस में क्लोरीन का चार्ज +1 होता है, ऑक्सीजन -2, तो +1 -2 -1 टोटल चार्ज, और क्लोरीन का वैसे क्लोराइड की फॉर्म में -1 चार्ज है, और यहाँ पे क्लोरीन का चूंकि कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे 0 चार्ज है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें चार्ज जो है आपका साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखो कि रिडक्शन हो रही है क्लोराइड के केस में और हाइपोक्लोराइड के केस में ऑक्सीडेशन हो रही है, चार्ज बढ़ रहा है और इस केस में कम हो रहा था, तो ऐसे प्रोपोर्शन रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यही वाला रिएक्शन जो है, अगर यहाँ पे सोडियम की जगह अगर मैं कैल्शियम लगा दूं, ठीक है, तो बेसिकली कुछ वैसा ही होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मैं रिएक्शन प्रोड्यूस करूं, तो जो हाइड्रोक्साइड आइंस है ना, ये मेरे पास क्लोराइड आइंस और ऑक्सीक्लोराइड आइंस या हाइपोक्लोराइड आइंस जनरेट करेंगे, और साथ में मेरे पास वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी जो कैल्शियम है ना, ये इसके साथ और इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर देगा। और बेसिकली ये दोनों जो आपस में रिएक्ट करके ना आपके पास एक नया सॉल्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, या ये जो आपके पास है CaClOCl, ये आपके पास होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है बेसिकली आपका जो रिएक्शन, अब मैं अगर सिंपलीफाई करके लिखूं, क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, या आपके पास कैल्शियम क्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली जब आप ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हो तो ये वाटर एज इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ लगा हुआ होता है, और ये जो है ये स्प्लिट होके आपके पास ये मुख्तलिफ 3-4 चीजें बनाता है, ये जो मैंने ऊपर लिखी थी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड इन हाइड्रेटेड फॉर्म, तो ये इससे बनती है आपकी, तो इसको ओवरऑल आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हो। अब आपको एक और मैं मजे की बात बताता हूँ। वो जो आपने एक डायफ्राम सेल पढ़ा था ना,
डायफ्राम सेल कब पढ़ा था? डायफ्राम सेल आपने पढ़ा था आई गेस चैप्टर सेकंड के अंदर, चैप्टर सेकंड के अंदर, जिसके अंदर आपने अल्कली मेटल्स देखे थे और वहां पे आपने अल्कली मेटल्स का एक कंपाउंड था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको प्रिपेयर करने के लिए आपने डायफ्राम सेल यूज किया था, ठीक है, जिसमें आपका एक इलेक्ट्रोड्स होते थे और दरमियान में आप एक डायफ्राम यूज करते थे। उस डायफ्राम के यूज करने की वजह भी यही होती थी कि एक तरफ को आपका हाइड्रोक्सिल आयंस होते थे और दूसरी तरफ को आपकी क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही होती थी, तो उस क्लोरीन को इस हाइड्रोक्सिल आयन से अलग रखने के लिए आप इसमें डायफ्राम यूज करते थे, इसी वजह से इसको डायफ्राम सेल या नेल्सन डायफ्राम सेल कहते थे, ठीक है। तो ये डायफ्राम लगाने की वजह भी बेसिकली ये होती थी कि आपका जो क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल है आपस में रिएक्ट ना कर जाए, क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल जब भी रिएक्ट करता है आपस में आपके पास हाइपोक्लोराइट आइंस प्रोड्यूस होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आप देखो हमने डिस्कस किया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपके यूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ट्रेंड्स यूं चलते हैं, ठीक है। और फिर आपने ये भी देखा था कि जो आपके एसिड्स है ना HOCl, HO2Cl या HClO2 कह लो, या आप कह लो HO3Cl, HClO3 एंड HClO4, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या था कि जो OCl होता है ना, जब आप टॉप टू बॉटम आते हो कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +1 है, इसमें +3 है, इसमें +5 है, इसमें +7 है, ये आपके पास है हाइपोक्लोरस एसिड, या आपके पास है क्लोरस एसिड, या आपके पास क्लोरिक एसिड और ये परक्लोरिक एसिड। अब देखो इसमें आपकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो हमने देखा था कि आपकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो कम होती है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर आपकी OCl की होती है, ठीक है। तो इसी वजह से आपकी जो OCl हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, तो ये आपको ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब हम आ जाते हैं आज के प्रिपरेशन के ऊपर कि ये प्रिपेयर कैसे होता है। इसकी प्रिपरेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग कह लो या प्रोडक्शन कह लो, इसकी दो मेथड से होती है। इसके जो पहला मेथड यूज होता है उसका नाम है हेसेनक्लेवर्स मेथड, हेसेनक्लेवर्स मेथड, बेसिकली दिस वाज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट। और इसके बाद आपके पास सेकेंड मेथड जो है वो है बेकमैन्स मेथड, ये भी अगेन साइंटिस्ट के नेम के ऊपर इसको नाम दिया गया, ठीक है। अब हेसेनक्लेवर और बेकमैन्स मेथड में बेसिकली हो क्या रहा होता है, ये दोनों मेथड्स में ऑलमोस्ट आपके पास सेम प्रोसीजर हो रहा है। सबसे पहले इस मेथड में आपके पास एक ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको आप हॉपर कहते हो, हॉपर से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बीच में डालते हो, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका कैसा होता है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, एज अ पाउडर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस पाउडर को हम क्या करते हैं कि हम इस पाउडर को इधर से बीच में डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मतलब यहां से हम लोग बीच में डालते हैं इसके, और फिर क्या होता है कि नीचे आपके पास ना 4 से 8 के दरमियान ना सिलेंडर्स होते हैं, ये जो आपको यूं नजर आ रहे हैं ना यूं करके यूं यूं यूं, ये आपके पास बेसिकली सिलेंडर्स हैं। अगर इनको आप टॉप से देखो ना तो ये आपके पास यूं गोल गोल है, ठीक है, यूं गोल गोल, एक के नीचे दूसरा सिलेंडर, दूसरे के नीचे तीसरा, ये 4 सिलेंडर्स के साथ आपके साथ बना हुआ है। हर सिलेंडर में आप देखो ऊपर भी एक ओपनिंग है और एक नीचे ओपनिंग है, ठीक है। ऊपर वाली ओपनिंग से एंटर होता है बीच में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नीचे वाली ओपनिंग से फर्दर नीचे जाता है। अब देखो कि ये जो सिलेंडर्स का पहले आपको ये बता दूं, ये सिलेंडर्स जो होते हैं ना ये स्टील के आप कह लो या ये आयरन, कास्ट आयरन के ये बने हुए होते हैं। कास्ट आयरन आपका वो आयरन होता है जिसमें जो आयरन की परसेंटेज है वो 2.5 से ज्यादा, कार्बन की परसेंटेज 2.5 से ज्यादा होती है, यानी हाईली कार्बन कंटेंट के साथ आपका कास्ट आयरन होता है। तो ये उस मटेरियल के आपके पास ना ये वाले सिलेंडर्स बने हुए होते हैं। अब सिलेंडर्स के ऊपर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से डालते हो एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे नीचे ना पाउडर की फॉर्म में व्हाइट कलर का था ना, तो इधर पाउडर यहाँ पे आके गिरता है नीचे सारा, और फिर ये जो है ना लेफ्ट से राइट साइड पे आपको ये जो लाइन्स नजर आ रही है ये आपके पास जो है ये स्टिरर्स है। स्टिरर्स क्या होते हैं, ये आपके पास चमचा समझ लो, जैसे हिलाने के लिए यूज होता है ना चमचा, ये उस टाइप की चीज होते हैं, और ये रोटेट कर रहे होते हैं, इनके पीछे इनकी रोटेशन हो रही होती है। आप समझ लो कि यहाँ पे मोटर्स लगी हुई होती हैं जो इनको इस एक्सिस पे घुमा रही होती हैं। तो ये स्टिरर्स जो होते हैं ना जब ये मूव कर रहे होते हैं तो ये इसको ना ये जो आपका पाउडर था इसको फैला देते हैं इस पूरे सिलेंडर के अंदर, ठीक है, और इस पूरे सिलेंडर के अंदर फैलाते हैं तो यहां से कुछ ना कुछ ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है और फिर यहां से ये अगले सिलेंडर के अंदर आ जाता है और यहाँ पे भी इसी तरह स्टीरर इसको हिला रहा होता है और ये नीचे गिरता जाता है और इन ये सबसे नीचे वाले तक पहुंच जाता है। अब आप करते ये हो कि सबसे नीचे वाले सिलेंडर में ना आप क्लोरीन गैस डालते हो, क्लोरीन गैस जो होती है क्लोरीन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसका कलर येलोइश ग्रीन होता है, जिस कलर से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है। आप इस गैस को यहां से एंटर करते हो और गैस के मॉलिक्यूल्स यूं एंटर होते हैं, ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल्स है ना
ये अब चूंकि अंदर ये आपका आहिस्ता आहिस्ता फिल होने लग जाता है ये सिलेंडर, उसके अंदर आपकी रिएक्ट कर जाता है ये मॉलिक्यूल्स इस व्हाइट व्हाइट पाउडर के साथ। तो बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो जाता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। फिर आपकी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस है वो इस होल से ऊपर जाने की कोशिश करती है और ऊपर वाले में चली जाती है, ठीक है। तो यूं की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी फैल गए मॉलिक्यूल्स, फिर यहां से वो ऊपर जाती है, फिर वो यहां पे आ जाती है, फिर यहां से ऊपर जाती है, वो यहां पे आती है, और जब फाइनली आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट जो होती है वो यहां से बाहर निकल आती है, ठीक है, वेस्ट गैसेस की फॉर्म में। तो इन शॉर्ट आपके पास होता ही है कि जो सबसे नीचे वाला आपके पास है ना, यहाँ पे जो कि आपका जो ब्लीचिंग पाउडर ना वो येलो कलर का एक पाउडर होता है, तो इधर सबसे नीचे आपके पास यहाँ पे येलो कलर का एक पाउडर बच जाता है, ठीक है। और ये आपके पास बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर होता है जो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वगैरह का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो CaOCl एंड Cl का, या CaCl OCl कह लो, इसका कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पे बन जाता है, इसको आप फिर बाद में सेपरेट कर लेते हो। ये आपके पास है सबसे पहला मेथड। आपका जो दूसरा मेथड है बेकमैन्स मेथड, बेकमैन लाइक सुपरमैन, बेकमैन्स मेथड, इसको मैं कहीं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर, तो मुख्तलिफ फुटबॉल के प्लेयर्स आ रहे थे, जो चीज मैं ढूंढना चाह रहा था वो मुझे नहीं मिली, मुझे इसके इमेज वगैरह कहीं से नहीं मिल सका। तो ये मैं आपको जुबानी खुद ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बेकमैन्स मेथड कैसा होता है। इसमें बेसिकली एक आपके पास कंटेनर होता है बहुत बड़ा, जिसके अंदर आपके पास यहाँ शेल्फ्स होते हैं, घरों में शेल्फ्स होते हैं ना इस तरह के, इसके अंदर शेल्फ्स होते हैं, ठीक है। और इन शेल्फ्स के ऊपर ना बिल्कुल यहाँ पे ये जो ऊपर वाली बाउंड्री होती है ना, यहाँ पे आपके पास जैसे उसमें आपके पास हॉपर था, यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है, एक हॉपर होता है, जिससे आप क्या करते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बीच में डालते हो इन सॉलिड फॉर्म, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपके पास क्या होता है, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। तो लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और वाटर के अंदर डिसॉल्व करो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास। ये आप बीच में डालते हो यहां से और यहां पे ऊपर आ जाता है, और ये जो सारे सिलेंडर्स हैं ना मुख्तलिफ, ये दरमियान में एक स्टिरर टाइप होता है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और हर सिलेंडर के ऊपर एक रेक होता है जो यूं करके घूम रहा होता है, ठीक है, अपने एक्सिस पे, ठीक है। तो ये सिलेंडर बेसिकली यूं घूम भी रहे होते हैं, तो इन सिलेंडर्स की मोशन की वजह से जो ऊपर से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हो ना, ये व्हाइट कलर का पाउडर इसके ऊपर आता है, ठीक है, ठीक है। और फिर ये ऐसा ऐसा नीचे भी गिरना शुरू हो जाता है, ऊपर से रेक्स इस तरीके से लगे हुए होते हैं, और जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, इधर लेफ्ट साइड से ना आप बीच में डालते हो, एक तो हॉट एयर डालते हो और दूसरा आप डालते हो क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस जो है वो येलो स्क्रीन गैस यहां से अंदर आती है, ठीक है, और वो आपकी इस पूरे कंटेनर के अंदर भर जाती है क्लोरीन गैस, ठीक है। वो क्लोरीन गैस जो होती है वो फिर रिएक्शन हो जाता है आपका इस पाउडर के साथ जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है। हॉट एयर आप इस वजह से करते हो कि आपका टेम्परेचर इस सोल्यूशन का थोड़ा राइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ये प्रोडक्शन ईजी और सिंपल हो जाती है। और इसमें आपके पास फर्दर क्या होता है, ये आपके पास पूरा जो टॉवर है ना, ये जो पूरा कंटेनर आपको नजर आ रहा है, इस कंटेनर को हम नाम देते हैं, ये आपके पास क्लोरीनेटिंग, क्लोरीनेटिंग कंटेनर होता है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करो ऊपर वाले मेथड को और इस वाले मेथड को, डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले मेथड में ये था हेसेनक्लेवर मेथड में कि आपकी क्लोरीन आ रही थी और वो फिक्स्ड सिलेंडर्स के अंदर से होती हुई यहां पे जब पहुंचती है ना, तो फिर वो फर्दर नीचे नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन गैस जो है वो रेज होती है हवा में, यहां से वो फिर ऊपर निकलती थी, आप ब्लो इन करते थे ना तो वो सारी बिल्कुल ऊपर निकल जाती थी। इसमें ये होता है कि वो बीच में ही रहती है, वो कंटिन्यूस रिएक्शन होता रहता है जब तक आपका जो टोटली है ना रिएक्शन हो ना जाए उसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बेसिकली आपका बेकमैन्स जो मेथड है ना, इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो क्लोरीन का लॉस है ना, ये क्लोरीनेटिंग कंटेनर जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर ही क्लोरीन रहती है, तो आपका जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन वो लॉस लूज नहीं होती, यानी क्लोरीन जो है उसका लॉस कम होता है, ठीक है। तो क्लोरीन वैसे इसके अंदर जो यूज होती है वो आती कहां से है, क्लोरीन जो इसमें यूज होती है ना वो आपके डायफ्राम सेल से आती है या मेम्ब्रेन सेल से आती है, डायफ्राम या मेम्ब्रेन सेल से आती है। और मेम्ब्रेन सेल और डायफ्राम सेल ये बेसिकली एक्वस फॉर्म में सोडियम क्लोराइड को यूज करते थे और उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है आपके पास एटेनोड्स, ठीक है। तो ये वहां से जो क्लोरीन आती है ना, वो एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डायफ्राम सेल वो आपके पास यहाँ पे आप यहां से एंटर कराते हो, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आप स्लेक लाइम भी बीच में डालते हो ना हॉपर के अंदर, ये भी आप यहाँ पे कंप्रेस करके डालते हो बीच में, कंप्रेस्ड एयर के साथ, ठीक है।
तो ये इसके कुछ इस वाले मेथड के अंदर डिफरेंसेस हैं जो उस ऊपर वाले मेथड के साथ हैं। तो यूं आपका इधर नीचे आपके पास जब सबसे फाइनली यहां से जब आपके पास नीचे गिरता है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर येलो येलो हो चुका हुआ होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लीचिंग पाउडर में चेंज हो चुका हुआ होता है। फिर जब वो यहां से नीचे गिरता है तो यहाँ पे एक कंटेनर यूं करके हमने लगाए हुए होते हैं, ठीक है, और इधर नीचे एक कंटेनर पड़ा हुआ होता है, तो उसके अंदर आके आपका ये पाउडर येलोइश व्हाइट कलर का पाउडर गिरता है, और ये आपके पास क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसको आप सेपरेट कर लेते हो। तो ये तो आपके थे मुख्तलिफ मेथड्स जिससे आप प्रिपेयर करते हो, जिनमें एक हेसेनक्लेवर, दूसरा हम लोगों ने बेकमैन मेथड देखा है। अब हम फाइनली हम इनके यूजेस देख लेते हैं, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है इसके यूजेस क्या है। सबसे पहला यूज तो इसका ये है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज इसमें हाइपोक्लोराइट आयन होता है जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये आपके पास एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। दूसरा आपका रिएक्शन जो यूज है वो आपके पास है एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ये यूज होता है ब्लीचिंग एजेंट, और ये कैसे ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जैसे ये बाल, ठीक है। वैसे तो ये बाल जो है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड से आपके ब्लीच हुए हुए हैं, या आपके ब्लीचिंग पाउडर से नहीं हुए हुए, लेकिन हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि ब्लीचिंग पाउडर की है, ये वाला डायपर। अब ये बेबी का डायपर है जिसको क्लोरीन की ब्लीच में डालने से देखें इसका कलर सारा एब्जॉर्ब कर लिया है क्लोरीन बेस्ड ब्लीच ने, तो इसमें आप मुख्तलिफ क्लोरीन बेस्ड ब्लीचेस यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो ब्लीचिंग एजेंट होता है ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से होता है क्लोरीन की, ठीक है। ये बेसिकली वुड पल्प जो होता है, वुड पल्प या पेपर पल्प जो होता है, पेपर पल्प, पल्प किसे कहते हैं आपको पता है, पल्प क्या होता है, पल्प आप कह लो कि एक पेस्ट होती है, गूदा कह लो, पेस्ट, ठीक है। तो आप ना जब लकड़ी लेके ना लकड़ी से पेपर बनाते हैं, इतना तो आपने सुना होगा, लकड़ी और क्रॉप्स होते हैं जैसे आप मुख्य पेपर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अब इनको ना आप पहले समझ लो कि पीसते हो, और फिर पीसने के बाद आप इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करके इनकी पेस्ट बनाते हो, वो आपकी जो पेस्ट होती है ना वो आपकी वुड पल्प कहलाती है, पेपर पल्प कहलाता है। उस पेपर पल्प का जो कलर होता है ना वो आपके पास कुछ ब्राउन कलर का, बिकॉज आप क्रॉप्स यूज करते हो और वुड यूज करते हो तो उसका ब्राउन कलर का। अब कागज जो है आपको पता है कि वो तो व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट नुमा कलर होता है उसका, तो वो आपको कलर एब्जॉर्ब कराना पड़ता है जिसके लिए आप ब्लीचिंग एजेंट्स यूज करते हो, मसलन आप इसमें ब्लीचिंग पाउडर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है ये किस काम के लिए यूज होता है, ये वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है, वाटर को प्योरिफाई करने के लिए, ठीक है, वाटर की स्टेरिलाइजेशन हम इस प्रोसेस को कहते हैं, स्टेरिलाई जेशन, इसमें आपका ये यूज होता है, बिकॉज इसके अंदर क्लोरीन होती है, तो क्लोरीन जो है ये वाटर को डिसइंफेक्ट करती है। इसके बाद फाइनल हम लोग यूज देख लेते हैं आपके पास क्या है। फाइनल आपके पास यूज ये है कि ये आपके जो क्लोरीन और ऑक्सीजन है ना उसकी प्रिपरेशन में भी आपका ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर ब्लीचिंग पाउडर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने ब्लीचिंग पाउडर का देखा कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये क्या होता है, कैसे होता है। हम लोगों ने मुख्तलिफ प्रोसेसेस देखे जिसके अंदर एक आपके पास हेसेनक्लेवर मेथड था, फिर आपके पास एक बेकमैन मेथड था जिससे हम लोग प्रिपेयर करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, फिर हमने सबसे एंड पे देखा कि आपके पास यूजेस क्या है ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है आपके पास नोबेल या नोबल गैसेस, ठीक है, इनर्ट गैसेस जो आपके पास है, अगर प्रोडक्ट टेबल का ग्रुप 18 है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इन गैसेस में हम देखेंगे नोबल गैसेस में कि आपके जो मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल आपके पास हीलियम, नियॉन, जीनॉन, रेडॉन वगैरह है। अब इसमें जो जीनॉन होता है ना ये मुख्तलिफ आपके कंपाउंड्स बना देता है, अभी तक तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये कंपाउंड्स नहीं बनाते, तो हम मुख्तलिफ रीजंस देखेंगे कि ये जीनॉन क्यों कंपाउंड्स बनाता है, फिर हम इसके मुख्तलिफ कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है।